नमस्कार, आज हम इस वक्त हैं भाईंदर के जैसल पार्क चौपाटी पे, जहां ललई छठ की पूजा की जा रही है। आइए जानते हैं यहां के जो स्थानिक लोग हैं, जो माताएं यहां पर पूजा कर रही है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं उन्हीं से। आंटी जी, ये जो पूजा है, ये क्या पूजा है, इसके बारे में बताएंगे हमें जरा। ये भादो महीने में छठ के दिन होता है और छठ घड़ी में होता है। इसका 12 बजे के पहले इसका पूजा होना चाहिए और इसका ये लड़के के लिए होता है, ये लड़कों के लिए पूजा किया जाता है। तो जिनको इसका, हाँ जी, जिनको लड़के हैं वही लोग ये पूजा करते हैं? नहीं नहीं, सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वैसा। बाकी लड़के लोग की माँ करती है, लड़के लोग वाले को वैसे जिसको लड़का वही करता है, जिसको लड़का नहीं रहता वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अब तो सभी लोग कर रहे हैं। इसके क्या मतलब, क्या फायदे हैं इसे, ऐसा कुछ क्या विशेषता जैसे कुछ है ऐसा विशेष? अब विशेषता क्या है, विशेषता है भगवान जिसको जो फल देंगे वो मिलेगा, और क्या विशेषता। सर, ये जो पूजा है ललई छठ, इसकी क्या विशेषता है जरा वो बताइए। ललई छठ भादो महीने की छठ तिथि के दिन की जाती है। अपने बच्चे की, लड़के की भविष्य की सुख कामना के लिए, उनके सुखी जीवन के कामना के लिए किया जाता है कि भगवान उनको, उनका जो आयु दे, उनके भविष्य अच्छा बनाए, लड़के का फ्यूचर अच्छा बनाए, उसके लिए ललई छठ में बच्चे की आगामी भविष्य के लिए पूजा की जाती है। यहाँ पे आज इस बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? अभी जैसल पार्क चौपाटी जो है, जैसल पार्क चौपाटी इतनी अच्छी बन गई है कि लोगों को जो पूजा पाठ, कई ऐसी पूजा रहती है जैसे छठ, कोई भी छठ हुई या कोई भी विसर्जन हुआ, और नदी या गांव में तालाब के किनारे करते थे, तो यहाँ पर नदी और तालाब तो है नहीं, तो यहाँ पर जो इस चौपाटी की घड़ी का जो पानी और ये स्वच्छ वातावरण है, और इस परिसर में उत्तर भारतीय लोगों की बस्ती आबादी बहुत हो गई है, और यहाँ पर उनको एक शांति का, सुकून का और स्वस्थ माहौल मिलता है कि जहाँ किसी को किसी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं होती है और हमेशा स्वच्छता रहती है, तो इसलिए लोग अपनी जो उनकी कामना रहती है, भगवान की पूजा रहती है, आकर के यहाँ बैठ करके आराम से निर्विघ्न रूप से करते हैं। ये जो ललई छठ है, पूजा यहाँ पे जो हो रहा है, इसकी क्या विशेषता है बताइए हमें। हाँ, इसकी विशेषता है कि हमारे पुण्या पुण्या चला रही है, हमारी सास हमारे बहू के दिए, बहू जो और अपनी बहू के दिए, ऐसा बेटा होता है, मनोमत रहता है, ललई गोसाई भरपूर देती हैं, तो हम लोग खुशी खुशी से उनका पूजा करती हैं। तो ये कब किया जाता है ये पूजा? ये यही भादों में किया जाता है छठ। इसलिए मतलब इसका विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि हम लोग में चला आ रहा है, बुजुर्ग ही चला आ रहा है, पहले ही से चला आ रहा है, हमारे पीढ़ियों में चला आ रहा है, इसलिए पूजा। बच्चे के लिए किया जाता है? बच्चे के लिए किया जाता है, अपने पुत्र के लिए किया जाता है, अपने सुहाग के लिए किया जाता है, हमारे आगे की पीढ़ी चलते रहे उसके लिए किया जाता है। और ये भादो महीने में होता है, और इस व्रत की खासियत यही है कि जिसके लड़का होता है और ये व्रत उठाते हैं, सबकी सास अपने बहुओं को देती आई है पीढ़ियों से, हम भी अपने आगे वंश में देंगे, यही प्रथा सदा ऐसे ही चलती रहेगी। भगवान की यही कामना है, सभी सुखी रहें, सभी के बाल बच्चे अच्छे से रहें, साथ में हमारे जय हो छठ मैया की। आंटी, ये जो थाली में दिख रहा है, इसके बारे में क्या है? ये जो दिख रहा है महुआ है, दही है, तो इसके बारे में क्या है, इसकी विशेषता क्या है? छठ गोसाई माता को जिसके बच्चे होते हैं उसके लिए पूजा जाता है जी। हाँ, बेटा बेटा के लिए। और ये महुआ जो होता है, जो जोते खेत में होता है वो नहीं खाया जाता, नीचे और तालाब में होता है, इसलिए यही चढ़ता है। भैंस का दूध दही महुआ यही खाया जाता है, भैंस का दूध और दही यही चढ़ता है, यही खाया भी जाता है, और दूसरा चीज नहीं खाया जाता है। तो ये जो पूरा दिन आप पूरा दिन उपवास रखती हैं, तो इसमें यही चीजें खाई जाती है। अब जाके इसका चावल बनेगा, दूध या दही से वही सब लोग खाएंगे। आप इसमें ये निर्जला है कि इसमें जल लेते हैं आप? नहीं, जल लेते हैं पूजा के बाद। धन्यवाद।